मैं बिल्कुल आपके इस दोहरे चरित्र को लेकर जो आपने सवाल पूछा है मैं जवाब ले लेती हूँ। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपके नजरिए में धीरज साहू पर जो कार्रवाई हो रही है, जो उनके घर पर कैश मिल रहा है, वो सही है या गलत है? अरे कोई भी, चाहे धीरज साहू हो, चाहे कर्नाटका के हो, चाहे कोई भी करप्शन करता हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उस पर जवाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? कांग्रेस के नेता कौन चाहता है, नहीं कौन कहता नहीं होनी चाहिए? नहीं तो जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा? अरे जवाब देना पड़ेगा। मैं मेरी बात नहीं समझती, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप समझेगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी? बिल्कुल देगी सर, और अभी जवाब ले लेती हूं आपके सामने। अनुराग जी इतना चिल्ला रही हैं आप। मैं आप ही अनुराग जी, मैं आपसे बड़ी सभ्यता के साथ बात कर रही हूं। आप प्लीज मुझसे सभ्यता के साथ बात कीजिए। एक मिनट सुनिए, मैं आपका सिर्फ नाम ले रही हूं और मैं आपसे सिर्फ अपने सवाल का जवाब जानना चाह रही हूं। जवाब पूरा नहीं हुआ, जवाब पूरा नहीं हुआ, जवाब पूरा नहीं हुआ। सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब देंगे। अरे जवाब तो सुन लीजिए, बोलिए। अरे जवाब सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या पूछा? क्योंकि आप भी उसी धरने पे चल रही हैं, आप ही सवाल मुझसे दाग रही हैं, बीजेपी से नहीं। अरे तो सर, आप ही के इंडिया अलायंस के नेता के घर में कैश पकड़ा गया है, तो आप ही से सवाल दागूंगी, आप ही से सवाल दागूंगी। उल्टी गंगा मत बहाइए। जिसके सांसद के घर से पैसा पकड़ा गया है, जिस आपकी हिम्मत नहीं है तो मैं आप ही से दागने की, आप ही से दागूंगी, आप ही से दागूंगी। अरे हिम्मत भी तो हो, अनुराग भदौरिया जी, मुझे मत सिखाइए, जाके पूछिए अपने अलायंस पार्टनर से कि आपके सांसद के घर में इतना पैसा कैसे आया। भ्रष्टाचार को लेकर अगर आप लोग इतने सीरियस हैं तो आपसे दागूंगी, बिल्कुल दागूंगी। अरे बीजेपी से दाग ही नहीं सकते तो आपकी भी तो मजबूरी है। आप उस वक्त शायद कान बंद कर लेते हैं, आप सुनते नहीं है जब बीजेपी वालों से सवाल दागे जाते हैं। बस अंतर इतना है अनुराग भदौरिया जी कि ये लोग बड़ी शांति से जवाब देते हैं, आपकी तरह दूसरे को पाठ नहीं पढ़ाने लग जाते हैं। बोलिए आप, शिवम त्यागी जी जवाब दे दीजिए। आप लोग क्यों दोहरा मापदंड रखते हैं? सत्ता में क्यों लेती है? दागिए सवाल। हो गया भैया, हो गया, हो गया, हो गया। आपके कहने से नहीं दागा जाएगा। चला गया आपसे कैमरा, दूसरी तरफ आ गया। थैंक यू। देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे पर जो पैसा निकला है उस पर बीजेपी जवाब देगी क्या? हाँ दूंगा ना मैं जवाब। किसी सरकार में इतनी हैसियत हो तो मुझे बताए कि अगर सरकार अपनी ही और तमाम तरह की चीजें हों और अपने ही लोग हों तो इस तरीके की कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं। हम खुल के कहते हैं, कोई भी भ्रष्टाचारी अगर सरकार में या सरकार से बाहर किसी भी राज्य में और किसी भी पार्टी का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए तो होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे पर अगर पैसे थे तो कार्रवाई की। यहां पर 400 करोड़ रुपया, 500 जो भी है, ये अब ये ऐसा तो है नहीं कि ट्रक भर के एक ही बार में आ गया होगा। रोजाना लोग आ रहे होंगे, लोग जा रहे होंगे, मुख्यमंत्री ऑफिस को पता होगा, पुलिस को पता होगा। हिम्मत ही तो करते गिरफ्तार, क्यों नहीं किया? क्योंकि अपना ही है साहब, पैसे की हिस्सेदारी बराबर है भैया, बराबर है। लेकर सरकार, राज्य सरकार से और लेकर यहाँ इनका जो केंद्रीय नेतृत्व तक, सबका बराबर है। अखिलेश जी पर भी गया है क्या कोई पैसा? इतना अनुराग भाई, अखिलेश जी पे भी गया है क्या थोड़ा हिस्सा? ऐसा लग रहा है 400 करोड़ में आपका भी कोई कटवट है। वो कौन सा, वो आय से अधिक संपत्ति, वो रिवर फ्रंट के घोटाले उटाले का पैसा आपका भी था क्या थोड़ा बहुत? नहीं, तो इतना क्यों दर्द है आपको? नहीं, चलिए, वहां तो आपने कार्रवाई कर दी। शुभेंदु अधिकारी हो, अजीत पवार हो, जितने भी तमाम नेता जिन पर आप लोग आरोप लगाते हैं, उनका भी थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल अपडेट ले लीजिए प्राची जी। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में कार्रवाई और केसेस में तमाम तरह की प्रोसीडिंग्स करती है एजेंसीज, और कोर्ट इस बात को तय करते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। मैं मानता हूँ सबका विषय, सबका मामला कोर्ट में है और सबके केसेस एज इट इज एजेंसीज के पास है। अगर हम किसी चीज से चूक रहे हो, अगर ऐसा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी कि उन भ्रष्टाचारियों की आपकी पार्टी में जगह फिर क्या हो जाएगी? आपकी तो जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। अगर उन भ्रष्टाचारियों के प्रति इनके हिसाब से अगर मैं बात करूं, कोट अनकोट, अगर इनको लगता है कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा प्रूफ है जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा, तो अनुराग भदौरिया खुद लेकर चले जाए, हम तैयार हैं। ठीक है अनुराग, स्वागत करते हैं इस बात का, बिल्कुल कोई दोराय नहीं है। जवाब दे दीजिए इस बात का। अरे प्रमोशन, अरे भैया साइड बाई साइड लगातार बोलते रहते हो अनुराग भाई, कसम से मैं कोई सिंगर थोड़ी ना जो गाना गा रहा हूँ, पीछे से तबला बजाते ही रहेंगे, बजाते ही रहेंगे। एक एक करके बोल लिया कीजिए, कमाल हो गया। मंत्री बन गए और वही रमेश भिदुड़ी प्रभारी बन गए। 400 करोड़, 400 करोड़, आज संतुलन ठीक नहीं लग रहा आपका, मुझे लग रहा है हिस्सा इसमें भी कांग्रेस का, आपका समाजवादी पार्टी का जरूर। मुख्यमंत्री कितना पैसा गया? लीडर अपोजिशन कितना पैसा गया? आप अखिलेश जी के करीबी हैं, बताइए जरा कितना पैसा गया आपका? आरोप लगाते थे, बताएंगे नहीं आप? 400 करोड़ पर एक सवाल का जवाब नहीं देंगे? भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र दुनिया देख रही है और देख रहे हैं, देख रहे हैं। ये जो इतने बड़े बड़े बंडल निकल रहे हैं ना, इतना तो किसी के घर में पेपर नहीं होता। जो यूपीएससी का बच्चा तैयारी करता है, इतने पेपर तो उसके घर में किताबें नहीं होती।
जब तक पैसा निकल गया 400 करोड़, और बेशर्मी देखिए कि उसको डिफेंड भी कर रहे हैं टीवी पर आकर, आरोपी बनाया जाएगा। गजब समाजवाद चल रहा है, कमाल की बात है, गजब गरीबी को हटाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, शिवम त्यागी जी और अनुराग बता रहे हैं, जब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, अब जरा संजय सराफ जी को चर्चा में ले आती हूं। अनुराग जी एक मिनट रुक जाइए, आपके सवालों के जवाब हो गए, मैं जरा संजय सराफ जी के पास चली जाऊँ। संजय सराफ जी आरोप ये है विपक्ष का, दो सेकंड दे दो, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं बीजेपी की एजेंसी, ये बीजेपी की एजेंसी कौन है ये मैं जानना चाहता हूँ, पूछिए जरा। अभी कह रहे थे बीजेपी की एजेंसी कौन कहा बीजेपी की जो कार्रवाई करती है, सुनिए मैंने कहा एजेंसी कार्रवाई करती हैं और कोर्ट तय करते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है नहीं है। अगर मैंने गलत बोला, जैसे लालू प्रसाद यादव जी को कहा, जैसे लालू प्रसाद यादव को तय किया कि भ्रष्टाचारी है, जैसे कि कांग्रेस के एक सांसद को किया, जैसे कि तमाम लोगों को बेल पर, जैसे कि राहुल गांधी बेल पर, अच्छा रुक जाइए, शिवम त्यागी जी बेल पर, अब शिवम कोर्ट का काम है, शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी, शिवम त्यागी जो अनुराग जी, अब एक मिनट रुक जाइए, संजय सराफ जी को रोकना पड़ेगा, संजय सराफ जी, अनुराग जी प्लीज रुक जाइए।